एक्सप्रेशन क्या होते हैं? एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि उसमें वेरिएबल हो सकता है, उसमें कांस्टेंट हो सकता है, उसमें ऑपरेटर हो सकता है। और जो एक्सप्रेशन है इसका मतलब ये है कि इसका इवैल्यूएशन एक वैल्यू आएगी, ये इवैल्यूएट हो गया आपको एक वैल्यू देगी। तो एक्सप्रेशन तीन फॉर्म में हो सकते हैं, इनफिक्स हो सकता है, पोस्टफिक्स हो सकता है, प्रीफिक्स हो सकता है। इनफिक्स, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स। इनफिक्स का मतलब क्या होता है, जो आप नॉर्मली देखते हैं अभी तक आपने जो जाना है मैथमेटिक्स में, जैसे आप कहते हैं ए प्लस बी, ये क्या हो गया आपका इनफिक्स नोटेशन, मतलब दो वेरिएबल के बीच में, दो ऑपरेंड्स के बीच में एक ऑपरेटर है, ये होता है इनफिक्स। ऐसी इस ए बी को मैं इस तरीके से लिख लूं ए बी प्लस, तो क्या होगा ए और बी प्लस होंगे, तो ये बाद में लिखा गया है, इसको हम कहते हैं ऑपरेंड को जब आप बाद में लिखते हैं इसको हम कहते हैं पोस्टफिक्स ऑपरेशन और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ऐसी इसी को मैं लिख दूं प्लस को पहले फिर ए और बी लिख दूं, तो प्लस पहले आ गया, इसको कहते हैं क्योंकि पहले आ गया तो इसको प्रीफिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं। तो इनफिक्स एक्सप्रेशन वो होते हैं जिसमें ऑपरेटर ऑपरेंड्स के बीच में लिखा जाता है, जैसे एग्जांपल देख पा रहे हैं आप। पोस्टफिक्स का मतलब ये होता है कि ऐसे इस टाइप के नोटेशन में जो ऑपरेटर होता है वो ऑपरेंड्स के बाद में लिखा जाता है, जैसे ये, जैसे एग्जांपल आप देख पा रहे हैं। ऐसे प्रीफिक्स नोटेशन है जिसमें जो ऑपरेटर है वो ऑपरेंड्स के पहले लिखा जाता है, यहां पर देखिए ये पहले लिखा जा रहा है, राइट। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे आप एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने यानी इनफिक्स है यानी ए प्लस बी को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं पोस्टफिक्स या ए बी प्लस में, इस फॉर्म में करेंगे। तो उसका एल्गोरिथम समझने की कोशिश करिए, आप ये समझ जाएंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करिए, फिर आप क्या करिए कि एड लेफ्ट पैरेंथेसिस एड करिए और ये राइट पैरेंथेसिस स्टार्ट में कर दीजिए, एड टू द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द एक्सप्रेशन। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहां और यहां एक्सप्रेशन में आप चाहते हैं कि ये राउंड ब्रैकेट में आ जाए। अब आप क्या करेंगे, स्टैक लेंगे, उसमें ये लेफ्ट वाले आप पैरेंथेसिस यहां पर रख देंगे, राइट। अब लेफ्ट टू राइट आप सारे सिंबल्स देखेंगे और फिर ये स्टेप फाइव चलाएंगे, हर एक सिंबल जो इस एक्सप्रेशन ई में आ रहा है चेक करेंगे, जब तक या रखेंगे इस स्टैक में जब तक आपका स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। कैसे समझाता हूं मैं आपको, यदि सिंबल आपका ऑपरेंड है, ऑपरेंड है तो इसको यहां रख दीजिए, जैसे आपने राउंड ब्रैकेट लिखा और ऑपरेंड यहां पर, यहां से हम स्कैन कर रहे हैं, ए आया तो ए हमने यहां रख दिया, राइट। अगर इसकी लेफ्ट पैरेंथेसिस आती है तो इससे आपको इसको पुश करना है स्टैक पे, यदि ऑपरेटर आता है तो क्या करना है, देखिए आपको ऑपरेटर को निकालना है स्टैक से, इसको लिस्ट में डालना है जिसकी सेम या हायर प्रेसिडेंस हो इनकमिंग ऑपरेटर से, या फिर आप जो इनकमिंग ऑपरेटर है उसको स्टैक पे डालिए। यदि आपको राइट पैरेंथेसिस मिलती है, ऐसे मिल जाता है, तो आपको पॉप करना है ऑपरेटर को स्टैक से और लिस्ट को ऐड करना है, जब तक लिस्ट में ऐड करना है जब तक आपको लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं मिलता, यहां से शुरू करना है, ऐसे जाना है और यहां तक खत्म करना है और फिर ये जो लेफ्ट पैरेंथेसिस है इसको हटा देना है, स्टॉप कर देना है। ये आपका एक कन्वर्जन है इनफिक्स से लेकर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा हो क्या रहा है इसमें। ये हमारे पास एक्सप्रेशन, बहुत ध्यान से सुनिए, इसमें ऑपरेटर ऑपरेटर होगा या ऑपरेंड्स होगा, स्टैक में क्या आएगा देखिएगा, ये स्टैक है, स्टैक में क्या आएगा, सबसे पहले स्टैक में ए आएगा, तो ए आएगा तो ऑपरेशन मूव टू द रिजल्ट लिस्ट, ओके आपने यहां पर एक ए लिखा। उसके बाद जैसे स्टार आएगा, ये जैसे स्टार आएगा तो स्टैक पे क्या चला गया, स्टार, रिजल्ट क्या आएगा, जो लिस्ट बनेगी ए। अब आपने क्या किया, ये आपका राउंड ब्रैकेट आया, ये वाला आ गया, तो स्टार के बाद आपका राउंड ब्रैकेट आया तो स्टार यहां पर कर देंगे और यहां राउंड ब्रैकेट लगा देंगे, राइट ए। अब ये ए है ओपन पैरेंथेसिस पुश टू स्टैक, ये ओपन पैरेंथेसिस कहां है, स्टैक में डाल दिया गया, राइट। पहले स्टार डाला स्टैक पे, उसके बाद ये ओपन वाला, फिर अगले में बी आया आपके पास, इसके बाद स्कैन किया तो बी आया, बी जैसे आया आपका तो आप क्या करेंगे, ऑपरेंड, ये वाला ऑपरेंड जो आया बी, इसको आप रिजल्ट में डालेंगे इस रिजल्ट लिस्ट में, तो यहां पर बी आ गया, राइट। अब अगला आया प्लस,
अगला आया प्लस, तो इसको आपको क्या करना है, स्टैक में डालना है। ये स्टैक में चला गया, प्लस जैसे आया स्टैक में चला गया। अब अगला आया सी, जैसे सी आएगा तो क्या करेंगे, क्योंकि ये ऑपरेंड है तो इसको यहां किसमें डालेंगे, आपके रिजल्ट लिस्ट में, यहां पर आ गया। अब अगला जो है वो आपका राउंड मतलब क्लोजिंग वाला आ गया, ये वाला आ गया। तो जैसे ये क्लोजिंग वाला आया, आप क्या करेंगे, यहां से क्लोज पैरेंथेसिस जैसी मिला, ये ऑपरेटर उठाएंगे कहां तक, इस यहां से ओपन पैरेंथेसिस से लेकर और वहां उसको डालेंगे किसमें, ये प्लस उठाएंगे, यहां रखेंगे रिजल्ट लिस्ट में। और उसके बाद आपका क्या आया, प्लस के बाद ये राउंड वगैरह इसको छोड़ देंगे स्टार, ठीक। क्लोज पैरेंथेसिस जैसे इनकाउंटर होगा, आप ऑपरेटर को पॉप करेंगे, उठाएंगे ओपन पैरेंथेसिस तक और उसके बाद यहां रख देंगे, राइट। और उसके बाद जो ओपन पैरेंथेसिस को रिमूव कर देंगे स्टैक से। तो आपका अल्टीमेटली क्या आ गया, ये इसमें पहले प्लस उठाया, फिर ये स्टार उठाया, यहां पर रख दिया, तो ये आपका पोस्टफिक्स नोटेशन बन गया। ए इंटू बी प्लस सी का पोस्टफिक्स नोटेशन है ए बी सी प्लस इंटू। एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। एक तो हमारे पास रिजल्ट लिस्ट है ये वाली, और हमारे पास ये स्टैक है। सबसे पहले ए आया, तो ए को क्या करना है, सीधा आप लिस्ट में डाल दीजिए। उसके बाद आपका डिवीजन आया, ये डिवीजन आते ही इसको आप स्टैक पर पुश कर दीजिए, पहला पुश हो गया। उसके बाद डिवीजन के बाद बी आया, तो बी आप यहां लगा दीजिए, राइट। और फिर उसके बाद आपके पास आया ये पावर रेज, रेज टू है ये, जैसे रेज टू आया क्योंकि ये ऑपरेटर है तो आप यहां इसको रख देंगे, राइट। उसके बाद आपके पास सी आया, सी, तो जैसे ही आपके पास सी आया आप क्या करेंगे, इसको यहां रख देंगे। फिर आपके पास क्या आया, माइनस, माइनस, लेकिन माइनस को कंपेयर करें, अगर एज कंपेयर टू माइनस ऑपरेटर, ये इसका और इसका, इन दोनों का प्रेसिडेंस ज्यादा, प्रायोरिटी ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इनको पहले पॉप करेंगे दोनों ऑपरेटर को और रिजल्ट लिस्ट में रख देंगे। यानी कि नेगेटिव यहां आना है, आप सोच रहे होंगे कि मैं यहां पर नेगेटिव इसको लिख दूंगा, लेकिन क्योंकि नेगेटिव का इसका प्रायोरिटी इन दोनों से कम है तो इसके ऊपर नहीं रखा जा सकता, हम पहले इनको पॉप करेंगे। यानी कि पहले इस ये पॉप होगा, ये वाला, फिर ये पॉप होगा, ये दोनों पॉप हो गए, राइट। अब आगे बढ़िए जरा, ये माइनस जो है यहां पर इस जगह पे, अभी ये तो पॉप हो गए, इसका मतलब सबसे नीचे आपका माइनस आ गया, ये पॉप हो गया, माइनस यहां रख दिया जाएगा। अगला आया आपका डी, तो डी यहां रख दीजिए, ठीक। फिर क्योंकि आगे कुछ भी नहीं है, तो ये जो आखिरी वाला है उसको उठा के यहां पर रख दीजिए माइनस। तो ए बी सी ये दोनों रेस्ट पावर डिवाइड डी माइनस, ये इसका फाइनल एक्सप्रेशन होगा।